जमीन और किसान के बीच का रिश्ता जैसे माँ बेटे के बीच का रिश्ता हो। इस भावनात्मक लगाव की बात ना भी करें तो भी सच्चाई यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसानों ने जमीन बेचकर करोड़ों कमाए, लेकिन उनके ख्वाब जमीन पर आते आते ध्वस्त हो गए। पड़ोस में ही रहने वाले राजेंद्र यादव को देखिए, मुआवजे की रकम ने इन पर भी जबरन करोड़पति होने का तमगा लगा दिया। 60 बीघा जमीन के बदले 1.5 करोड़ पाने वाले राजेंद्र ने सबसे पहले ये तय किया कि वो अपने लिए एक आशियाना बनाएंगे जिसमें 11 सदस्य रुपए करीब मिला जी, मकान दुकान बनाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाए और बच्चे भी अब खाने खराब, पढ़ाई लिखाई को पैसा नहीं बचा, गाड़ी घोड़े लिए बर्बाद है बिल्कुल। 3,500 करीब गज है, उसमें पुताई के लिए पुताई और सीमेंट के लिए, गेट के लिए, विंडो के लिए कोई पैसा नहीं बचा, वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसे समझो दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं अपनी जमीन छोड़कर, पहले हम चौधरी थे अब दूसरे के हाजी हाजी करनी पड़ रही है, बहुत दिक्कत होती है। नौकरी कोई लगाता ही नहीं तो करें कहां से, नौकरी लायक भी नहीं है हम तो। राजेंद्र बेबस है, ना तो जमीन धरती माँ के लिए मर मिटने वाले किसानों की राय अब बदल चुकी है। हर दूसरे किसान का ये सोचना है कि वो रोजी रोटी या कोई धंधा करके अपने परिवार का पेट पाल सकता है, लेकिन खेती किसानी से नहीं। लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है कि किसानों को जो राशि मुआवजे के तौर पर मिली वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, नोटों की गड्डियां अपने साथ बर्बादी लेकर आई। हमारे साथ है इस वक्त प्रधान जी बिस्रक गाँव के। प्रधान जी आप बताइए, यहाँ पर जो लोगों को मुआवजे मिले क्या वो उसका सदुपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाए हैं। किसानों को देखो सोच कितनी बड़ी होती है, किसान क्या जाएगा, जो जो धरती से जुड़ा हुआ आदमी है वो क्या कर पाएगा। मानो किसी एक फैमिली में 1 करोड़ रुपया मिला है या 2 करोड़ रुपया, 4 भाई हैं, पैसे आने के बाद सब अलग अलग हो गए हैं, किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी है, किसी ने मकान बना लिया है, किसी ने गाड़ियां ले ली हैं, तो किसान के पास तो पैसा खत्म हो चुका है। अब खेती लायक भी नहीं रहा, ना जमीन रही है, ना पैसा रहा, किसान तो बिल्कुल रोड पे आ चुका है और भुखमरी की स्थिति होगी आने वाले 5 साल बाद, बहुत बुरी स्थिति होगी किसानों की, तो क्योंकि पैसा अब रहा नहीं अपने पास। मोटे तौर पर जब किसान को मोटी राशि मिलती है तो वो किस पर खर्च करता है? नहीं, ज्यादातर तो हम किसानों को सोच ज्यादा रहती नहीं है, वो क्या करेगा, गाड़ी लाएगा, गाड़ी लाएगा या अपना कोई इधर उधर देगा, जो ज्यादा किसानों को नॉलेज होती नहीं है कहीं भाई कहीं जाके पैसा को सही तरह इन्वेस्टमेंट कर दे। सबसे बड़ी कमी ये रही है प्राधिकरण की, अगर इन्होंने किसानों को जमीन अखबार की है, या तो यहाँ उद्योग होने चाहिए थे या फिर जो बिल्डरों को जमीन दी है इसमें कहीं ना कहीं किसान की भागीदारी होनी चाहिए थी, जिससे कि किसान का आने वाली जनरेशन का कोई उद्धार हो सके। लेकिन एक बात जो बार बार उठती है कि किसान अपनी जमीन वापस चाहता है, चाहता तो है लेकिन जो मुआवजा राशि वापस करनी पड़ेगी, क्या उनके पास पैसे बचे हैं कि वो वापस कर पाए? ये भी सत्य है कि किसान के पास अब पैसा वापसी करने के लिए नहीं बचा है। किसान ने जो मुआवजा मिला था, जो पैसा मिला है, वो सब खर्च हो चुका है, किसान के पास अब वापसी के लिए भी पैसा नहीं। प्रधान होने के नाते अपने तौर पर अपने गांव वालों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई अभियान? हम लोगों ने काफी प्रयास किया था पीछे, हमें मनवीर भाई हैं किसान संघर्ष, हम लोगों ने कई बार पंचायत करके लोगों को समझाने की कोशिश की थी, भाई एक तो बड़ी गाड़ियां न लाएं,
और पैसे को कहीं ऐसे एफडी में ऐसी जगह यूटिलाइज करें या कहीं भी अपना जो फ्लैट लें कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे अब हमारे किसानों में सबसे बड़ी कमी क्या है, एक तो गाड़ियां ला रहे हैं बड़ी बड़ी, दूसरा कच्ची कॉलोनियों में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कच्ची कॉलोनियों में जहां ना रेट बढ़ रहे हैं, कल को उसे बेचने जाते हैं जितने के लिए उससे और कम का बिकता है, इसलिए किसान की तो बिल्कुल बहुत बुरी दशा होने वाली है आने वाले 5 साल में। देश भर में विकास के नाम पर लाखों एकड़ खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण कोई नई बात नहीं है। सरकारी मशीनरी और कॉरपोरेट घराने को अक्सर किसानों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। लेकिन सरकारी लाव लश्कर के सामने बेबस किसान चुपचाप अपनी जमीनें नपती देखते रहे हैं। अशिक्षा, कानून की जानकारी न होने और अपने अधिकारों से अनजान किसानों के साथ आजादी के बाद से ही जमीन अधिग्रहण के नाम पर जुल्म और अन्याय हो रहा है। उन्हें अपनी जमीन औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है, लेकिन जरूरी यह है कि सरकारी अमला ये ध्यान दे इसमें किसानों का अहित ना हो। आखिरकार किसानों को चाहिए क्या, जमीन या मुआवजा, और कैसे सुधरेंगे बदहाल किसानों के हालात, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।